और ये है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। जैसा कि साइन कन्वेंशन हमारा मिरर में था, लेंसेज में भी वही चलेगा। उसपे हम लोग क्या कर रहे थे, सारे जो डिस्टेंसेस थे वो हम लोग पोल से मेजर कर रहे थे, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सारे जो डिस्टेंसेज हैं वो मेजर करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, इस जगह से मेजर करेंगे। तो जो भी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ होंगी वो होंगे पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की साइड होंगी वो होंगी सारी नेगेटिव, और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। और इसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसके अंदर जो हमारा ये फोकस है ये क्या है, राइट हैंड साइड में, दैट इज रियल फोकस, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट एक्चुअली बेंड होके पास कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रियल फोकस, और ये होगा पॉजिटिव। और इस केस में क्या है, ये जो फोकस है इसके अंदर लाइट जो है रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस करके मीट कराया जा रहा है, इसीलिए ये जो है वर्चुअल फोकस है, और ये जो फोकस है फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फोकस को ध्यान से लेना है। और अगला जो टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के अंदर क्या है, जैसे मानो ये ऑब्जेक्ट है और ये हो गया हमारा इमेज, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हाइट h और ये हो गया इमेज हाइट h डैश। तो इस केस में क्या होगा, जो फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। तो इस केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, h जो है ऊपर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और h डैश जो है इस केस में नेगेटिव है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ये एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, और जो डिफरेंट एग्जाम्पल अगर कोई होगा जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उसका इमेज जो है इधर ही बनता है, तो उस केस में जो है हमारा हाइट पॉजिटिव रहेगा। जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन इज एच डैश बाई एच, एच डैश मतलब इमेज हाइट डिवाइडेड बाई एच मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, ये करने से मैग्निफिकेशन निकलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाई यू। वो मिरर के केस में -v/u था और इस केस में v/u है, v इज द व्हाट, इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं, दिस इज पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक लेंस है जो कि काफी थिन है, तो मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये काफी थिन है, तो थिन का मतलब क्या है, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये काफी बड़ा है, दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर स्फेयर। तो मानो अगर ये कोई ऐसा स्फेयर है, ये इसका पार्ट है, सो दिस हैज अ बिगर रेडियस, और फोकस भी इसका जो है बड़ा होगा। अगर मैं इसका कर्वेचर जो है बड़ा कर दूं, देन क्लियरली दिस इज पार्ट ऑफ अ स्मॉलर स्फेयर। तो जितना ज्यादा लेंस पतला होगा उतना ही उसका फोकस दूर होगा, सो इट हैज लेस कन्वर्जिंग पावर। क्यों, क्योंकि अगर इसमें रे ऑफ लाइट आ रहा है ये दूर जाके मीट करेगा, इसका फोकस दूर है, ये कम एंगल से बेंड होगा, सो दिस हैज लेस पावर। एंड इफ द लेंस इज थिक, इसका मतलब क्या है, इसका फोकल लेंथ जो है छोटा है, इसका मतलब क्या करेगा, ये इस रे ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, तो इसका फोकल लेंथ जो है लेस होगा एंड पावर जो है ज्यादा होगा। सो नाउ व्हाट इज पावर, पावर इज डिफाइंड एज 1/ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100/ फोकल लेंथ होगा इन सेंटीमीटर। तो अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, अगर जैसे ये लेंस है, इस लेंस का आपका जो फोकल लेंथ है वो है 2 मीटर, तो व्हाट विल बी द पावर, दैट विल बी 1/2 डायोप्टर्स, इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। और अगर मैं ये मान लू, इसका मान लो हमारा फोकल लेंथ जो है वो है 1 मीटर, तो इसका क्या पावर होगा, पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो कौन सा बड़ा है,
ये बड़ा है, इसका पावर बड़ा है क्योंकि ये ज्यादा डाइवर्ज करा पा रहा है। सेम इज द केस विद द कॉनकेव लेंस, इसके अंदर भी जितना ज्यादा ये कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा ये इसको डाइवर्ज कर पाएगा क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ होगा वो छोटा होगा, इन दैट केस इसका पावर ज्यादा होगा। और अगर कोई पतला लेंस है वो कम एंगल से इसको डाइवर्ज कर पाएगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ दूर है, तो इसका पावर जो है उसी हिसाब से कम होगा। तो बच्चों इसी के साथ खत्म हो जाता है पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को और क्लियर कराया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं जो कि मैंने कंपाइल ऑलरेडी कर लिए हैं, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना अभी बाकी है। जब हम उस क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे तो ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट।